एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं, और ये सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एग्जिस्ट करती है। मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा की वैल्यू जीरो होती है। तो लेट्स से एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पॉइंट ए के ऊपर जब टाइम जीरो, उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो, और आफ्टर टाइम टी जब बॉडी पॉइंट बी पे पहुंची तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होकर ओमेगा हो गई। तो इस टाइम इंटरवल में अल्फा की वैल्यू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी के इक्वल, यानी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी माइनस जीरो। इसके अलावा अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को रेडियस से डिवाइड भी किया जा सकता है, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस टेंजेंशियल वेलोसिटी के चेंज की वजह से होती है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वेक्टर फॉर्म में अल्फा क्रॉस आर के इक्वल है, और स्केलर फॉर्म में अल्फा आर के इक्वल है। इसके अलावा अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड भी किया जा सकता है। एंगुलर एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर है, और इसके अलावा इसके और भी यूनिट यूज हो सकते हैं, जैसे डिग्री पर सेकेंड स्क्वेयर या रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वेयर। बाय नेचर एंगुलर एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और बाकी तमाम एंगुलर क्वांटिटीज की तरह इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को हम ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा एंगुलर वेलोसिटी के अलोंग है, ये उसके अलोंग भी हो सकता है और उसके ऑपोजिट भी। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा हो तो उस केस में ओमेगा और अल्फा पैरेलल होते हैं और अल्फा को पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर हमारे पास एंगुलर स्पीड ओमेगा डिक्रीज हो रहा हो तो इस केस में ओमेगा और अल्फा एंटी पैरेलल होते हैं और हम इस केस में अल्फा को नेगेटिव लेते हैं। सर्कुलर मोशन दो तरह की है हमारे पास, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट होता है, तो अल्फा की वैल्यू भी जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी जीरो, टॉर्क भी जीरो, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी जीरो। लेकिन अगर हमारी मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगी, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा वेरिएबल है, तो ओमेगा के चेंज होने की वजह से अल्फा भी प्रोड्यूस होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी प्रोड्यूस होगी, टॉर्क भी प्रेजेंट होगी, और एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने नेट लीनियर एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी हो, तो यहाँ लीनियर एक्सेलेरेशन दो तरह की है, सेंट्रीपिटल अलोंग द रेडियस और टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट। तो नेट पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होल अंडर रूट के इक्वल है।